अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सुमान टेक वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप न्यू यूट्यूबर हो या यूट्यूबर हो और वीडियो एडिटिंग करते हो टेक की, तो आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह फेस कैम की और मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए और आप किस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको काइनमाटर में तरीका बताऊँगा, काइनमाटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको प्रोफेशनल एडिटिंग सिखाऊँगा कि आप किस तरह प्रोफेशनल एडिटिंग कर सक करके अपनी टैग की वीडियो बना सकते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो यहाँ पर एक स्टेप आया जब मैंने आपको कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको ये स्टेप बताऊँगा काइनमास्टर में इस स्टेप को आपने किस तरह यूज़ करना है। तो दोस्तों जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए या एक मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, यानी दो मोबाइल या एक कैमरा साथ होना चाहिए, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं आप खुद भी आ रहे होंगे और आपके मोबाइल की स्क्रीन भी शो हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह की एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं अगर आपके पास दो मोबाइल हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा भी आपको मुकम्मल कोर्स बताऊँगा इस वीडियो में कि आप किस तरह प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं काइनमास्टर में अपनी टेक की वीडियोज़ की। तो दोस्तों इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूं और कहां से मैंने और कैसे डाउनलोड किया है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए एंड तक, चलता हूं लेकर आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। जी दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ और ये स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट है अभी या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो दोस्तों जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च किया यहाँ पर आप जिसने कितने ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कौन सा इंस्टॉल किया मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये वाला इंस्टॉल किया, यहाँ पर इसको इंटरफेस भी आपको सामने करवा देता हूँ। तो दोस्तों आपने इसको कर लेना डाउनलोड, अपडेट मांग रहा है, मैं इसको अपडेट भी यहाँ पर कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये स्क्रीन रिकॉर्डर अपडेट होता है तो मैं आपको इसकी सेटिंग वगैरह बता देता हूँ आप किस तरह इसकी प्रोफेशनल सेटिंग भी कर। तो दोस्तों मैंने काइनमाटर को ओपन कर लिया है और 16:9 का मैंने रेशियो सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है दोस्तों। यानी यूट्यूब पर जहाँ पर जिस ऑप्शन पर यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी वीडियो लाता हूँ फेस कैम की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ये अपनी वीडियोस एडजस्ट करता हूँ फेस कैम की और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आपने यहाँ पर एडिटिंग किस तरह करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं अपने मोबाइल की वॉइस को थोड़ा कम कर लूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चार फीचर शो हो रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। मीडिया के ऊपर जाकर आप यहाँ पर अपनी कोई भी चीज़ ले ला सकते हैं जिस चीज़ पर आपने एडिटिंग करनी है, यानी जिस वीडियो पर आपने एडिटिंग करनी है। लेयर पर जाएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी अपनी वीडियोस वगैरह फ़ोटो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसके अंडर कोई भी वीडियो फोटोज लगाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके कोई पार्ट वगैरह कट करना है तो आप यहाँ पर अपना पार्ट वगैरह को भी कट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैंची वाले ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो इतने इधर वाला पार्ट कट जाएगा और ठीक है दोस्तों। और ऐसे करेंगे तो इस नीचे वाले को करेंगे तो दोस्तों इतने इस साइड पर लेफ़्ट साइड वाला आपका पार्ट कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब दोस्तों आप सेंटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके दो पार्ट्स हो जाएंगे आपकी वीडियोस के, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह करके इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए इस वीडियो में से पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये का पार्ट कटिंग का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम दोबारा फेस कैम की वीडियो को लाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप किस तरह फेस कैम की वीडियो का प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेयर पर जाता हूँ, यहाँ पर आपने इफेक्ट पर जाना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने ये वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको हाउस बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप हाउस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये वाला कर लेना ऐसे डाउनलोड। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपने किस तरह यहाँ से ढूंढ सकते हैं HDR वाला इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कितने ज़्यादा इफेक्ट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर वो भी इफेक्ट ला कर दिखाता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया वीडियोस में लगाने के लिए। कलर के ऊपर ये भी कितने ज़्यादा इफेक्ट आ रहे हैं,
आप अपनी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए ये इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कलर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों कॉर्नर पर नज़र आ रहा होगा ऑटो HDR। तो दोस्तों आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। इसका अब क्या बेनिफिट है मैं आपको बैक जाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इस इफेक्ट को अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरे पेज पर यहाँ पर सिर्फ सेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है और काफ़ी लाइटनेस आ गई है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी क्या नाम है, रिजल्ट पहले से बेहतर हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं ये रिजल्ट और ये रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपने इफेक्ट पर क्लिक करना और इसकी थोड़ी सी यहाँ पर कॉर्नर पर ऑप्शनलिटी है, इसको थोड़ा सा कम करना आपने। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कम कर ले, यहाँ पर आप रख लें 35 पर या 40 पर। ठीक है दोस्तों, फिर भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने कर लिया। अब यहाँ पर ये क्वालिटी चेक कर लें और ये क्वालिटी चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको ऐसे सेटअप कर देते हैं मुकम्मल को, ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ, यहाँ जिस जहाँ पर हमने लगानी है सब्सक्राइब वाला ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इतने पार्ट्स में कह रहे हैं सब्सक्राइब वाला ऑप्शन, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन क्लिक कर कर लें। ठीक है दोस्तों, आपने इतने पार्ट को कट कर लेना है इससे। ठीक है दोस्तों, आपने इससे कट कर लेना और यहाँ पर आप इतने पार्ट में ये अल्फाज कह रहे हो तो आपने इसे भी कट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों आपने ये यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने टिक करना है इसके ऊपर जिस पार्ट में आप कह रहे हो सब्सक्राइब का अपने ऑडियंस को, यहाँ पर आपने क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा क्लिप ग्राफिक्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपने ये सोशल लाइक्स वाला ऑप्शन डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना, होम पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर आपको सारी कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने ये ढूंढ लेना कहाँ पर है सोशल लाइक्स, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, ये सोशल लाइक्स आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे सेम पिछले वाला आपने इंस्टॉल किया, जिससे इधर क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब वन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर आप ये अल्फाज करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, तो दोस्तों ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। और सेकंड में हमने दोस्तों क्या करना था, सेकंड में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने अब करना कि आपने दो मोबाइल हैं, आप अपने खुद को भी शो करवाना चाहते हैं और मोबाइल की स्क्रीन को भी शो करवाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप एक हिसाब का बोल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डुप्लीकेट एज लेयर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये डुप्लीकेट लेयर जो है ये आ जाएगा, तो आपने इससे कर लेना ऐसे। ठीक है दोस्तों, और इसको कट देना आपने कट, जो वीडियो होगी इसको आपने कर देना कट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपने कोई भी बैकग्राउंड ले लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सा बैकग्राउंड एक डाउनलोड भी किया हुआ है, तो आप इस तरह का बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी आप डाउनलोड कर लें, वैसे मेरे पास एक ही है अब इस टाइम। पेन जोम के ऊपर क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पर आपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, इसको कर देना कट। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपने ले वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना और इसको छोटे साइज में कर लेना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपने इस अब यहाँ पर क्या करना है तो आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप मैक्स के ऊपर टिक कर देना है, यहाँ पर आप कोई भी शेप्स लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दिल वाले लगा सकते हैं,
सर्कल वाले लगा सकते हैं, ये बॉक्स वाले लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे भी आप यहाँ पर शेप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सर्कल वाली शेप कर सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप खुद भी बोल रहे हैं, और अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल की भी स्क्रीन ला सकते हैं। लेजर के ऊपर आपने क्लिक करना, मीडिया के ऊपर जाना, और यहाँ पर आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्डर आ तो वो यहाँ पर आप ला कर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर लाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों इस तरह अपनी ऑडियंस को इस तरह प्रोफेशनल वीडियो बनाकर आगे रख सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपकी ये स्क्रीन है जो बिल्कुल ब्लैक आएगी नज़र, और आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करवाएगी ये स्क्रीन। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्क्रीन पर, और यहाँ पर सबसे नीचे चले जाना है आपने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक्स्ट्रा ऑडियो, एक्स्ट्रा ऑडियो के नीचे आपको लिखा होगा ट्रांसकोड, ट्रांसकोड के आपने ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रांसकोड कर देना है। जब ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी, अगर आपकी ब्लैक स्क्रीन आ रही है स्क्रीन रिकॉर्डर की, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर इस तरह आ जाएगी, यानी शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके इसकी आवाज़ वॉइस को भी मिक्सचर करके, यहाँ पर वॉइस को भी मिक्सचर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके अलावा दोस्तों आप एनिमेशन डाल सकते हैं कि इस किस तरह का एनिमेशन आए जब आपकी स्क्रीन शो। ये दोस्तों आप स्लाइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बाकी टूल्स हैं, टूल्स काफ़ी इजी हैं, जैसे कि बाकी वीडियो एडिटिंग वाली एप्लीकेशन हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्ले करके दिखाता हूँ आपको वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको समझा भी रहे हैं और ख़ुद भी आ रहे हैं समझाते वक्त, जो भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और स्क्रीन भी साथ में शो हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं अपनी टेक की वीडियोस के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की मुकम्मल समझ लग गई होगी, और वीडियो काफ़ी इजी थी दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और वीडियो को कमेंट लाजमी एक अच्छा सा करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।